तो आइए शुरुआत करते हैं देशहित स्पेशल की और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ आए हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग भी की है, पर इस मुलाकात का एजेंडा अब तक बताया नहीं गया है। इस्लामाबाद में दावे किए जा रहे हैं कि बम के लिए अमेरिका से डील हो चुकी है और कुछ अरब डॉलर देकर एटॉमिक एजेंसी के चीफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन साथ लेकर जाएंगे। आजकल पाकिस्तान में परमाणु हथियार बेचे जाने की खबरें क्यों चल रही हैं, असली वजह क्या है, इसे हमने आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इसकी आड़ में कुछ और अंडरहैंड नेगोशिएशन तो नहीं हो रही, तो जिसे कहते हैं दिल जो है धड़कता है इस सारी सिनेरियो को देख के। एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में पिस्तौल। क्या पाकिस्तान का परमाणु बम बिकने वाला है या फिर इस्लामाबाद के कटोरे में दान देकर न्यूक्लियर बम को छीन लिया जाएगा? पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है ये तस्वीर। पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का चीफ आया है जिसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीब बैठे इस शख्स का नाम है राफेल मारियानो ग्रासी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं। ये एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात करती है और इस्लामाबाद पहुंचकर इस एजेंसी के चीफ ने शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक सारे बड़े हुक्मरानों से 1-to-1 मीटिंग की और ये तस्वीरें देखते ही पाकिस्तानियों को गड़बड़ी का डर लगने लगा। पाकिस्तान जो शब्द सुनना नहीं चाहता है वो है डिसआर्ममेंट यानी निरस्त्रीकरण। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को अपने परमाणु हथियार छीनने का डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल परमाणु हथियारों की डील करने के लिए आए हैं। ये डर बढ़ते बढ़ते खौफ बन चुका है और इसकी वजह है पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का एक बयान। पिछले 76 सालों में पाकिस्तान को पैसों की इस कदर जरूरत कभी नहीं हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खुद कबूल कर चुके हैं कि भीख मांगते मांगते उनका कटोरा घिस गया है, पर मुल्क की पैसों वाली डिमांड खत्म नहीं हुई है। मुझे बड़ी I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आतंक कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में किशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक ये मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियार और उनकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि परमाणु हथियारों के मामले में वो दुनिया में 6ठे नंबर पर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, जो कि भारत से भी ज्यादा है। क्या इतने न्यूक्लियर बम ही इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम के पहुंचने की वजह है? असली बात किसी को नहीं मालूम। शहबाज सरकार ना तो बयान दे रही है और पाकिस्तानियों की घबराहट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु अटैक किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम भी चोरी करके बनाया था। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान वर्ष 1974 के दौर में नीदरलैंड्स की फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे।
तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से ऑफर मिलने के बाद वर्ष 1975 में उन्होंने इसी लेबोरेटरी से सेंट्रीफ्यूज की डिजाइन को चुरा लिया। एक दावा यह भी किया जाता है कि परमाणु बम को तैयार करने में चीन ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी और अब पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कबूलनामा भी आ चुका है। पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया से लीबिया तक को परमाणु टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगा। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने खुद दुनिया के कई देशों को परमाणु तकनीक और सामग्री बेचने की बात कबूल की थी और आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है उसे देखते हुए आशंका है कि पैसों के लिए इस्लामाबाद खुद ही परमाणु तकनीक या फिर न्यूक्लियर बम को बेच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।